होना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी का बड़े नेता का कुमक है, इसीलिए वो इस तरीके से जो बयानबाजी करने के लिए उनका उमक जो दे रहा है उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं है। बट इनको समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी उस समय में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चलता था, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चल रहा है। राहुल गांधी जी कितने भी आप लोग कोशिश करो, एक ऐसा नेता है जो इस देश को जोड़ने के लिए मोहब्बत का धागे में जोड़ने के लिए 4,500 किलोमीटर किया पदयात्रा किया, देश का जनता उनके अंदर उनके साथ है, देश का लोगों के दिल में राहुल गांधी जी का जो प्यार बढ़ रहा है इससे ये लोग जल रहे हैं। बीजेपी वाले राहुल जी चल रहे थे तब भी जल रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे तब भी जल रहे हैं, इनका आदत है, इनका खून के अंदर है। ये बीजेपी नया पिट्टू को आगे और जवाब देंगे, यूथ कांग्रेस चुप नहीं रहेंगे, देश भर पिट्टू को इतना डरो मत। पिट्टू जी आपका मंत्री पद के लिए जो बयानबाजी कर रहा है उसको लेके बड़ी लेवल पे हम लोग ने सड़क पे उतरेगा। मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू। हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है और कांग्रेस ने रवनीत बिट्टू के बयान पर हंगामा किया है, हाथ में पोस्टर उनके खिलाफ लिए आप देख सकते हैं और राहुल गांधी के समर्थन में आगजनी भी की जा रही है, पुतला दहन यहाँ किया जा रहा है और बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी जलती है। राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आए हैं, इस बात का भी जिक्र यहां लोगों की तरफ से किया जा रहा है और ये देखिए कैसे आगजनी और गुस्सा आक्रोश निकलकर अब सामने आ रहा है। कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी से, जहां आप देख सकते हैं गुस्सा और आक्रोश और इतना ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश कि यहां पर बैरिकेडिंग लगानी पड़ी है। बैरिकेडिंग के सहारे पूरे जो स्थिति है उस पर नज़र बनी हुई है, उसे कंट्रोल में किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि माहौल ख़राब ज़्यादा ना हो और उन्हें वापस से भेजा जा रहा है कि इस तरह गुस्सा और आक्रोश करने से कुछ नहीं होगा बल्कि इस चीज़ को बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, गुस्सा और आक्रोश बयान को लेकर और अब इसके बाद घमासान छिड़ गया है।